रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटका यानी मोठ की सब्ज़ी। ये अंकुरित है, ये देखिए, इसको हमने कल सुबह में भिगाया था और फिर उसके बाद रात को एक कॉटन के कपड़े में रख दिया था, वह बांध के इसी छन्ना में, और नीचे इस तरह से बर्तन रखा और फिर इसके ऊपर ये, ताकि बाहर से हवा भी लगे। और ये देखिए ना, ये अंकुरित हो गया है बिल्कुल, ये निकल आया है। तो अभी मैंने 11-12 बज गए, तो मसाला से देखिए पूरे अच्छे से और भी निकल आया अंकुरित। तो ये बहुत हेल्दी होता है, इसको आप ज़रूर बनाइए। इस तरह से होता है मोठ, आप ये देखिए, इस तरह से मटकी होता है ये। हाँ, ये बहुत टेस्टी बनता है, इसका चाट वगैरह बहुत चीज़ बनता है, आप बना के खाइए इस सब्ज़ी को। तो चलिए हमने सब्ज़ी में जो जो मसाले लिए वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने 2 टमाटर लिए, इसको हमने 12 पीस लिया है, और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए, इसको भी हमने ये देखिए पीस लिया है दरदरा सा। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये सौंफ पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची है, 1 टीस्पून और जीरा 1 टीस्पून है, ये तेज पत्ता हमने लिया है, एक दालचीनी लकड़ी है, और 3 जो है लौंग, 3 इलायची है, 8-10 काली मिर्च है। तो चलिए मैं राई के तेल में बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह आप भी उसी में बने, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कढ़ाई रखा और तेल रखा, हमने इस चम्मच से 2 चम्मच तेल लिया है, इससे ठीक है तेल जो है गर्म हो जाएगा। तो मैं इसमें डाल देती हूँ जो आपको खड़ा मसाला दिखा है वो डाल देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा क्रकल करूँगी, इसको थोड़ा सा जो है भून लूँगी, और इसी के साथ डाल दूँगी 1/2 टीस्पून जीरा, वाइट जीरा है। और अब इस ये तड़कने लगा, अब इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर यहाँ पे आपके पास हींग होगी तो हींग डाल दीजिए, मेरे पास इस वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए मैं हर चीज़ में हींग यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास जो डिब्बा था खाली था, उसमें थोड़ा सा हींग था, उसमें पानी डाल के मैं डाल देती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे अदरक लहसुन की बनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, जो हमने 2 बड़े साइज की प्याज पीस के रखे थे, इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे। इस सब्ज़ी में तेल ज़्यादा जाता है, लेकिन मैंने कम डाला है, मेरे यहाँ थोड़ा कम तेल खाया जाता है। और आपको अगर तेल ज़्यादा पसंद है तरी, तो आप तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा, ठीक है तरी, इसमें तरी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे भी, मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखिए, प्याज मेरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है टमाटर डाल दूँगी, और इसके साथ जो मैंने मसाला आपको दिखाया है वो सारे मसाले डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो मिर्चा कुछ भी बाहर का सामान ही, अपना यही मसाला वगैरह रहते हैं, बस कम ज़्यादा रहता है, वो आपके हिसाब से कम ज़्यादा मिर्ची मसाला कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर डाल दी 1 टीस्पून नमक, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा चाट मसाला भी 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, ये देखिए। तो इसलिए मैंने नमक कम डाला, लास्ट में मैं चेक करके फिर कम ज़्यादा होगा तो मैं डाल लूँगी। और हाँ, अगर आपके पास दही है तो 2 टेबल स्पून दही भी फेंट के मसाला जब भून जाएगा तो डाल दीजिएगा। मैं एक्चुअली आज दही नहीं डाल रही हूँ, मैंने टमाटर डाला है ज़्यादा, इसीलिए। चलिए मसाला को भून लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मसाला भून चुका है, तेल जो है साइड से देख सकती हैं आप, तेल आ गया। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमारी मटकी यानी मोठ है इसको, और इसको भी 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लूंगी, और उसके बाद इसमें फिर ग्रेवी लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए, 4 से 5 मिनट हो गया दाल को भूनते हुए माशाल्लाह से, ये देखिए आप देख सकती हैं नीचे भी, ये देखिए। तो अब इसमें मैं कढ़ी पत्ता भी हमने डाला है, वो आप देख सकती हैं, यहाँ 8 से 10 कढ़ी पत्ता अभी जस्ट डाली हूँ, और ये 2 हरी मिर्ची डाली हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ मैं पानी, इस कप से 2 कप पानी डालूंगी, आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो 3 डाल दीजिएगा। तो मैं देखिए 2 कप पानी डाल दिया, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया 1/2 कप, यानी टोटल हमने 2.5 कप पानी डाला है। अब यहाँ पे आप नमक चेक कर लीजिए, अगर नमक कम है तो डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं नमक कम चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर नमक कम लग रहा है, तो मैं 1/2 टीस्पून छोटी चम्मच से 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, बाकी सब चीज़ परफेक्ट है माशाल्लाह से। और इसे ढक करके छोड़ देती हूँ बिल्कुल इसको पकने तक। ये देख रहे हैं एकदम कितने प्यारी है, ये बहुत हेल्दी दाल होती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगी इसकी सब्ज़ी। और जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आपकी अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत होता है। और माशाल्लाह से आप लोग की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, इंशाल्लाह ऐसे ही बढ़ती रहूँगी, और आप लोग मेरी और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में, रिश्तेदारों में, इन सब में, ठीक है। दाल पक कर हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मेरा कम हो गया था तो मैंने इसमें गरम करके पानी डाला, तो आप भी गरम ही डालिएगा। ये देखिए दाल बिल्कुल ये ऐसे मेरे बिल्कुल गल चुकी है, तो मैंने गैस को किया बंद। अभी मैं डाल देती हूँ मैं हरी धनिया। तो आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। तो चलिए यहाँ पे चलिए मैं इसको जो है ढक करके छोड़ देती हूँ 5-6 मिनट के बाद, फिर मैं सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गया है, तेल भी साइड से देखिए ऊपर आ गया इसकी तरह, तो अब मैं इसको जो है सर्व कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई ली हूँ, अब इसमें डाल दूँगी और ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने डाइट में लीजिएगा, बहुत हेल्दी होती है सब्जी। अब जैसे मूँग की होती है ना अंकुरित मूँग, उसकी भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है सब्जी, आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने इसको जो है निकाल लिया है। तो चलिए यहाँ पे होती है वीडियो में खास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू। जब तक ये दूसरी वीडियो के इंतजार करिए आप लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।